नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को किया गया सम्मानित। जुबली पार्क के समीप शादीशुदा महिला के अधेड़ प्रेमी की पति ने जमकर की पिटाई, पूछताछ के लिए पुलिस ने लिया हिरासत में। सुंदरनगर में मुआवजे की मांग को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने शव के साथ किया सड़क जाम। और बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर पेयजल मंत्री से मिले विधायक एवं पंचायत प्रतिनिधि। खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंडियन नेशनल स्टील मेटल मेटल माइंस एंड इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से सफाई कर्मियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में रघुनाथ पांडे ने कहा कि महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है, महिलाओं के सम्मान के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम होना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से देविका, ज्योति, मोती साहू, तारो हंसदा, सोनी, चंपा, डोमनी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि महिला दिवस है और चारों तरफ पूरे भारतवर्ष की सभी जगह मनाया जा रहा है। और सब पूछे तो हम लोग महिला को बुला के अगर जितना भी सम्मानित करते हैं अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। हमेशा एक खाली हम तो आज के दिन हम लोग मनाते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना चाहिए क्योंकि आज देखिए हम सभी जगह जागरूकता आया है। टाटा स्टील में लगभग 35% 40% महिलाओं को नौकरी दी गई है ट्रेड अप्रेंटिस में। उधर जमशेदपुर ब्लड बैंक में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रतीक संघर्ष फेडरेशन, बीएसएसआर यूनियन और अन्वेषा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, बीएसएसआर यूनियन और अन्वेषा की ओर से शहर के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा दे रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। खासकर वैश्विक त्रासदी के दौर में स्वास्थ्य, सफाई, समाज सेवा और पत्रकारिता के माध्यम से सेवा देने वाली नारी शक्ति को सम्मानित किया गया। पूरा भारतवर्ष का हर एक कोना आज गर्व महसूस कर रहा होगा भारत के इन नारी शक्तियों के ऊपर। आज पूरा ये तीनों संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, अन्वेषा और बीएसएसआर यूनियन नमन करता है ऐसे नारियों के जज्बे। अरिजीत सरकार निर्देशक प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन। धारमूम अनुमंडल पदाधिकारियों के निर्देश के तहत अनुमंडल कार्यालय में महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां तमाम महिला पदाधिकारियों के द्वारा ही जागरूकता शिविर का संचालन किया गया। वैसे शिविर में तमाम आगंतुकों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही मतदाता पहचान पत्र बनवाने के प्रति भी प्रेरित किया गया। यहाँ आने वाले तमाम लोगों को मतदान के अधिकार और इसकी जरूरत के विषय में अवगत करवाया गया। यहाँ मौजूद महिला पदाधिकारी ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार भी है और एक मजबूत लोकतंत्र को स्थापित मतदान ही कर सकता है, इसलिए सभी की पूर्ण भागीदारी इसमें जरूरत है और इसी कारण आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के द्वारा ही इस शिविर का आयोजन किया गया है। ताकि जो भी जिनके वोटर आईडी रिलेटेड है वो अपना वोटर आईडी बना सकते हैं, करेक्शन होगा तो करेक्शन भी करा सकते हैं, पर फिलहाल जो है ज्यादा फोकस है नया बनाने। महिलाएं आ रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल महिलाएं आ रही है, महिलाओं के लिए बैठे हैं हम सारे महिलाएं और महिला दिवस ऐसे है। जमशेदपुर के परसोडी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर टीम अपर्णा के द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां जिले के सिविल सर्जन, डीएसपी, सीसीआर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, समाज सेवी पूर्वी घोष समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान वीपीआर मिसेज इंडिया 2022 का खिताब जीत चुकी शर्मिष्ठा राय को सम्मानित किया गया। वहीं समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को भी यहां सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यों से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। टीम अर्पणा की संरक्षक सह समाज सेवी अर्पणा गुहा ने कहा कि इस खास दिन पर उन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने सामाजिक दायित्व को बखूबी निभाया है और महिलाओं का नाम ऊंचा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हर महिला के सफलता के पीछे पुरुष का भी पूरा हाथ है और इसीलिए समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो महिला और पुरुष दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। आज महिला दिवस है और एक ही दिन महिला के दिवस नहीं है, महिला दिवस हर किसी दिन हम लोग को होती है, हर
कोने कोने में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग आज महिला दिवस है बोल के जो हम लोग एक हम संदेश देना चाह रहे हैं कि पुरुष लोगों के लिए, क्योंकि आज नारी दिवस है बोल के जो हम लोग पुरुष का विरोध करेंगे ये भी बात गलत है, क्योंकि हर महिला की वैसाखी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पुरुष लोग की, इसलिए आज मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि पुरुष लोग जब हम लोग बोलते हैं कि नारी दिवस नारी दिवस नारी दिवस, नारी दिवस तो मनाते हैं, पर एक पुरुष के बिना कभी कोई महिला आगे बढ़ नहीं सकती। हमारे जितने भी यहाँ पर महिलाएं आए हैं काफ़ी सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, एक से एक बढ़ के है, सभी समाज से भी है, और हम लोग इस संदेश को हर जगह में पहुँचा रहे हैं। साक्षी स्थित जुबली पार्क के समीप प्रेम प्रसंग में अधेड़ प्रेमी की सरेआम जमकर हुई धुनाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में प्रेमी और महिला के पति को हिरासत में लिया। साक्षी स्थित जुबली पार्क के समीप प्रेम प्रसंग में एक महिला के पति ने उसके अधेड़ प्रेमी की सरेआम जमकर धुनाई कर दी। बताया जाता है महिला और उसका प्रेमी दोनों पड़ोसी है और प्रेमी महिला से एक तरफा प्यार करता है। महिला अपने पति के साथ जुबली पार्क घूमने आई थी। इसकी जानकारी मिलने पर प्रेमी भी अपने प्रेमिका के पीछे पीछे जुबली पार्क पहुंच गया। इसकी जानकारी मिलने पर महिला के पति ने उसके प्रेमी की सरेआम पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस महिला के पति और उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बच्चा ठीक है, ये अपने पैसे पे गरीब परिवार का जो है उसको तोड़ रहा है, उसको ब्लैकमेल करके उसको अपने बच्चा को छीन रहा है, साथ में रहो रिसोर्ट लेके गया लड़की है उस जगह में। क्या नाम है इसका? पंकज जसवाल नाम है। ये कहाँ रहते हैं? अपना बसेरा फ्लैट। ठीक है, लव प्यार के चक्कर है। हाँ, कब से? ये करीबन हो गया सर लगभग 2 महीने। क्या नाम है उसका? मेरा नेम पड़ोसी है। क्या नाम है उसका? कैमरा एक लगा के रखा है उसका, मतलब नजर निशाना ऐसा लगता था कि मेरे पे रहता था। अच्छा, उसका नाम पहले से उसको जानती थी? कहाँ रहता है? आप कहाँ रहते हैं? वो देवर लगता है आपको? पड़ोसी है। पड़ोसी है। कितने दिन से इस तरह से बोल रहे हैं? इसका विरोध आप इससे पहले नहीं किए? आज क्या किया आपके साथ? यहाँ यहाँ पर आज क्या हुआ जी? मतलब बता रहा कि वो आपका उससे उसको संबंध है, ऐसा कुछ है क्या? वो मेरे को रेस्टोरेंट लेके गए वहाँ पे, मेरे को मतलब वो रिलेशन के लिए हमेशा ये कर रहे हैं। अच्छा, आपने विरोध किया? आपने विरोध किया सर? आज आप विरोध किए हैं, किसी में मारपीट करने लगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश भर में महिला सम्मान और अधिकार की बात हो रही है। इन सब के बीच झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ रैली की शक्ल में पूर्वी सिंहभूम मुख्यालय पहुंचा, जहां रैली में शामिल आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए आज के दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन छुट्टी घोषित किए जाने की मांग की। रैली के माध्यम से जिला मुख्यालय पहुंची आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुँचाने में सेविकाओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं के लिए छुट्टी घोषित किया जाना चाहिए, जिससे इस दिवस की प्रासंगिकता बनी रहे। जितनी भी आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं हैं सभी कोई रैली निकाले हैं, इसलिए कि हम आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लोगों को सरकार की तरफ से स्थायीकरण घोषित करें और हमारी मानदेय को बढ़ोतरी दे और आज का दिन को छुट्टी घोषित करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जमशेदपुर में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन पार्टी के साक्षी स्थित कार्यालय में किया गया, जहां कन्या भ्रूण हत्या को रोकने को लेकर चर्चा की गई। वैसे आंकड़ों की माने तो आज भी पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा है, जिस कारण देश में लिंग समानता नहीं है। इसी थीम को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के अलावे बड़ी संख्या में घरेलू महिलाएं शामिल हुईं।
इस दौरान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मंजू सिंह ने कहा कि देश में लिंग समानता लाने हेतु कन्या भ्रूण हत्या को रोकना होगा, जिसमें घरेलू महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी की जरूरत है। जो महिला दिवस है उस पे सभी महिलाओं से ये निवेदन करूंगी कि जब हम लोगों का ये सरकार की तरफ से है कि लिंगों में समानता होनी चाहिए, तो जो ये लिंग का जो रेशियो है वो कम और ज़्यादा है। आज भी हम देखते हैं कि पुरुषों की जो संख्या है महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप देख रहे हैं कि शादी के समय में भी ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको हम लोग बराबर करना चाहेंगे। और महिलाओं को मैं चाहूँगी जो भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं खास करके फीमेल सेक्स का, उस पर हम लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए उसका निर्माण करना हो, क्योंकि अगर हम लोग सृष्टि के रक्षक हैं, सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि को हम लोग जगत में लाने वाले हैं, तो हमें ये समझना हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उलीडी में मेगा हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उलीडी स्थित आदिवासी जन कल्याण हाई स्कूल प्रांगण में नाम्या स्माइल फाउंडेशन एवं बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में मेगा हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, पूर्व विधायक कुणाल षडंगी, विकास सिंह समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। जान कहा जाता है ना, जान है वो जहान, शास्त्र की संपदा, हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए इस तरह की जो मेगा हेल्थ कैंप, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय दिवस में नहीं, मुझे लगता है ये 20 दिन में इस तरह के मेगा कैंप आयोजन करना चाहिए। आज मेगा निशुल्क महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। इसमें इस शहर की नहीं बल्कि इस राज्य की नामचीन डॉक्टर को हम लोगों ने बुलाया है। डॉक्टर संगीता सिंघल जी, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर विजया भारती, ऐसे डॉक्टर हमारे कैंप में आ चुके हैं और इस कार्यक्रम में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारे बीच इस राज्य के पूर्व राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हुआ है। इसके साथ ही झारखंड का कोहिनूर हीरा, जिसे नरेंद्र मोदी ने पहचाना, पद्म श्री छुटनी महतो जी का भी आगमन हुआ है। ऐसे पुनित बेला में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही शिविर की एक विशेषता भी है कि शिविर में जो भी महिलाएं लंबी कतार, आप देखिए लंबी कतार में महिला रजिस्ट्रेशन करा रही है, जो भी महिलाएं अपना चेकअप कराने आई है, अगर किसी प्रकार की गंभीर या थोड़ा जटिल बीमारी उन्हें प्राप्त पाई जाएगी जिसका इलाज इस जिले के अस्पताल में संभव नहीं है, तो हमारी संस्था वैसे महिलाओं का इलाज इस देश के नामचीन अस्पताल में अपने स्वयं के निजी खर्चे में कराने का काम करेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों, महिलाओं और पदाधिकारियों को मेराकी ट्रस्ट ने बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं पूर्व विधायक मेनका सरदार, CDPO दुर्गेश नंदनी, जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, मुखिया सरस्वती मुर्मू, सामाजिक महिला अंजलि बोस, पीयू सिंह समेत कई समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों, महिलाओं, पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं मेराकी ट्रस्ट के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि आज उन्होंने वैसे महिलाओं को सम्मानित किया है जो समाज में कई तरह के काम कर रही हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी अग्रणी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभाया और उन तमाम महिलाओं एवं साथी बंधु, पुरुष भाई मित्रों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया मेराकी संस्था की ओर से। बस यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होनी चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकार के विषय में, अपने कर्तव्य के विषय में पूरी पूरी जानकारी है, उसको बस इस धरातल पर लाना होगा। उधर सुंदरनगर में मुआवजे को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम किया। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत कदमडी के पास हुए सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मंगलवार को गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ सुंदरनगर चौक को जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीण 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रविवार को कदमडी के पास नशे में धुत CRPF के जवान ने बाइक सवार दंपति को घायल कर दिया। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए TMH पहुंचाया था, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। इधर गुस्साए ग्रामीणों ने जवान को पकड़कर उसकी पिटाई भी कर दी थी। मंगलवार को शव के पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर सड़क को जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे।
फिलहाल मुआवजे को लेकर कोई वार्ता नहीं हुई है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर आदमी का सपना होता है एक ड्रीम कार। अगर आप चाहते हैं आपकी कार आपके सपनों जैसी सुंदर हो तो आप आए हमारे पास। कार एक्सेसरीज, कार डेकोरेशन, कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन, ब्रांडेड साउंड सिस्टम एंड अदर आइटम्स, और भी बहुत कुछ। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है तो हमें फौरन फोन करें। ब्रेकडाउन सर्विस 9031934924। होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेकडाउन सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग एंड ड्रॉपिंग, एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग और सभी सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.ashrafimotor.com पर। सभी सामान की क्वालिटी देखें, बाजार से रेट मैच करें और फिर हमारे डिस्काउंट शॉप में आएं। हमारा पता है अशरफी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, टिग एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन,
ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को पुनः चालू करने मंत्री से मिले विधायक एवं पंचायत प्रतिनिधि। मंत्री ने दिया आश्वासन। वर्तमान एजेंसी ने कहा जल्द शुरू नहीं किया गया काम तो नियुक्ति होगी नई एजेंसी की। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को पुनः चालू करने की मांग को लेकर पोटका विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद किशोर यादव समेत पंचायत के प्रतिनिधि रांची स्थित विधानसभा परिसर में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मंत्री को बताया गया कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम पिछले एक वर्ष से बंद है। योजना 2018 में ही पूरी होनी थी, परंतु 2022 तक काम अधूरा है। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि वर्तमान एजेंसी ने काम जल्द शुरू नहीं किया तो नई एजेंसी के माध्यम से जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 28 में जयमून नामक अविवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मानसिक विक्षिप्त थी महिला। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 28 में जयभून नामक 35 वर्षीय अविवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि महिला की दिमागी हालत खराब थी। क्या हुआ? क्या उसका दिमाग कमजोर है। अच्छा, फिर आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ, ठीक था सुबह से। अच्छा। नाश्ता भी किए। अच्छा, फिर आरा भी हो तो घुस के अकेले दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद था? दो घंटा हो गया। दरवाजा बंद था? बंद था, अंदर से खिड़की भी बंद था, दरवाजा भी बंद। अच्छा, फिर आप कैसे उसको खोले? खुले इसका सब इधर से। अच्छा, पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ? पुलिस को फिर बुलाया आपने? हाँ, पुलिस को बुलाया। बता रही कि इस घर में अकेले रहती थी, सुबह नाश्ता करके सबसे मिलजुल के बात की। उसके बाद इनको करीब 12:30-1 बजे इनको मालूम हुआ कि दरवाजा बंद है। ये लोग जबरदस्ती दरवाजा किसी तरह खोला, उसके बाद देखा तो पंखे से वो लटकी हुई है। तो इन लोगों ने आप स्वयं ही लोग सबको नीचे उतार के रखा हुआ है, फंदा वगैरह स्वयं ही लोग उतारे हैं। उसके बाद ये लोग थाना में जाके करीब अभी आप 15-20 मिनट पहले सूचना दिए, हम लोग आए हुए हैं। क्या परिवार वाले क्या बताया कि कारण क्या है इसमें? परिवार वाले इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन लोग कहना है कि हम लोग को नहीं मालूम है, आगे छानबीन में पता चलेगा क्या उसका कारण है। तो कुछ और भी बताएं, जैसे दिमागी हालत ठीक नहीं बोला जा रहा या कुछ ऐसा? इनका परिवार वालों का कहना है कि दिमाग इनका थोड़ा सा कमजोर है, आसपास के लोग भी यही कह रहे हैं। आगे आप छानबीन में पता चलेगा, आस पड़ोस से और लोग से पूछताछ होगी तो पता चलेगा। उधर एमजीएम में इलाजरत कैदी पर हमले का प्रयास किया गया। होमगार्ड के जवान की तत्परता से बड़ी घटना होने से बची। प्रताड़ना एवं दूसरी शादी करने का आरोपी है मोहम्मद शाहिद अनवर उर्फ सोनू। एमजीएम अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में इलाजरत कैदी आजाद नगर निवासी मोहम्मद शाहिद अख्तर उर्फ सोनू पर बीते रात हमला का प्रयास किया गया। वहां तैनात होमगार्ड के जवानों ने पहुंचकर मारपीट करने आए लोगों को भगाया और वार्ड का दरवाजा बंद कर जानकारी साक्षी पुलिस को दी। पुलिस के आने से पहले मारपीट करने वाले आरोपी फरार हो गए। यहाँ पे वो पहली पत्नी केस कर दी है, फिर भी केस करने के बाद यहाँ मारने के लिए मेरे सास और मेरे बड़े वाले जेठ और मेरी नाना आके यहाँ मारपीट करके गए हैं। कैप्टन पप्पू। अच्छा, किस लिए? हाँ, वो आके यहाँ मारपीट करके गए हैं, वो मेरी बड़ी ननद डॉली और मेरी सास। मेरे पास वीडियो पूरे यहाँ मारपीट करके पूरा किसी से भी पूछे यहाँ आके तमाशा करके गए। मारने के लिए आया था सर, लेकिन मारा नहीं, हम किवाड़ी लगा दिए इधर से, नहीं तो उधर से पूरा ठेल रहा था। अच्छा, कौन था सब? दो लेडीज था, एक जेंट्स था। जेंट्स भी था? कौन था वो जेंट्स? पप्पू नाम है, बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप बचाए लोग को फिर? जी, कैसे? केवाड़ी लगा दिया सर इधर से। जमशेदपुर से सटे चैनल स्थित आशु किस्को मेमोरियल एंड रवि किस्को टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बीएड कॉलेज में शिक्षकों के बहाली हेतु साक्षी स्थित एक होटल में साक्षात्कार का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य के अलावे कई अन्य राज्यों से प्रतिभागी शामिल हुए। कॉलेज में कुल 16 शिक्षकों का पद वर्तमान में खाली है, जहाँ 14 शिक्षकों के पद के लिए बहाली निकाली गयी थी।
झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार से 50 से ज्यादा अभ्यर्थी यहां साक्षात्कार के लिए पहुंचे। कॉलेज के सचिव जगदीश महतो बताते हैं कि कोरोना काल में सरकारी निर्देशों के तहत कक्षाएं करवाई जा रही थी, जहां शिक्षकों की संख्या को कम किया गया था। अब दोबारा सब कुछ सामान्य होने के बाद फिर से सभी रिक्त पदों को भरा जा रहा है। कुल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा अधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा ही साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है और चयन के उपरांत ही सभी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। कोरोना काल के चलते बहुत दिन कॉलेज बंद था, ऑनलाइन क्लास हो रहा था और टीचर का जो 50% सरकार बोला था 50% के लेकर के लिए कोरोना खत्म हो गया, इसलिए हम लोग सोचे जितना हम लोग का सीट है फुलफिल हो जाएगा और सब आदमी को बेरोजगार को नौकरी मिलेगा। आज हम लोग को यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से कैंडिडेट लोग आया है। इधर मानगढ़ स्थित कुम्बरो बस्ती में महापर्व के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। मानगढ़ स्थित कुम्बरुम बस्ती के आदिवासी समाज के भक्तगण ढोल नगाड़ों की धुन पर जुलूस की शक्ल में माधोबाग कॉलोनी स्थित जाहिद थान में महापर्व के अवसर पर पूजा अर्चना की। इस दौरान माई कंट्री इज माई फैमिली के सदस्यों ने भक्तों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। माई कंट्री माई फैमिली को इस लायक समझा कि उन्होंने महापर्व में हमें बुलाया और तमाम जाति धर्म को एक संदेश देते हैं कि सब घर आपस में मिलजुल कर रहे, सद्भावना से रहे और आगे ग्रोथ करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मैं आदिवासी समाज को दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने महापर्व में हम लोगों को मौका दिया इस पर्व को लुत्फ उठाने का। पूरे भारत के तमाम लोगों को महापर्व की तरफ से मैं सारे भारतवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और माई कंट्री माई फैमिली के द्वारा तमाम लोग आज ये पर्व में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारे राज्य में इसी तरह से हंसी खुशी का माहौल बना रहे। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को किया गया सम्मानित। जुबली पार्क के समीप शादीशुदा महिला के अधेड़ प्रेमी की पति ने जमकर की पिटाई, पूछताछ के लिए पुलिस ने लिया हिरासत में। सुंदरनगर में मुआवजे की मांग को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने शव के साथ किया सड़क जाम। और बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर पेयजल मंत्री से मिले विधायक एवं पंचायत प्रतिनिधि। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।